हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियोस में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा फोटोशॉप, और फोटोशॉप में मैं आप लोगों को बताऊंगा फोटोशॉप्स के टूल्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियोस। फोटोशॉप स्टार्ट करने के लिए मैं फोटोशॉप्स के आइकॉन पे डबल क्लिक कर देता हूं। अभी मेरा फोटोशॉप ओपन हो चुका है। मैं अभी जो फोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ ये फोटोशॉप 2020 का वर्जन है। अगर आप फोटोशॉप CS6 यूज़ कर रहे हो या CS5 या CS3 तो टूल्स सिमिलरली रहेंगे, सेम टूल्स रहेंगे, सेम वर्क करेंगे। ओके, तो देखते हैं। प्रीवियस वीडियोस में मैं ऑलरेडी आपको इन सारे टूल्स के बारे में बता चुका हूँ, तो आज के जो वीडियोस में मैं जिन टूल्स के बारे में सिखाने वाला हूँ वो है क्रॉप टूल, प्रस्पेक्टिव क्रॉप टूल है, स्लाइस टूल है, स्लाइस सेलेक्टेड टूल है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टूल हमारा क्या है? क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल का किस तरह से यूज़ करते हैं? क्रॉपिंग के लिए यूज़ करते हो। ओके, एंड आप क्रॉप करते टाइम आप फोटोज़ का साइज़ क्या होगा, उसका रेजोल्यूशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें सेट करके भी आप फोटोज़ को क्रॉप कर सकते हो। तो क्रॉप टूल को बताने के लिए मैं एक इमेज फाइल ओपन कर लेता हूँ। तो गो टू द फाइल, ओपन, और यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ एक इमेज फाइल एंड ओपन बटन पे क्लिक करते हैं। तो अभी मेरा एक इमेज फाइल ओपन हो चुका है। इस इमेज फाइल को मुझे क्रॉप करनी है, तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं क्रॉप टूल। क्रॉप टूल पे सेलेक्ट करते ही हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। देखिए, ऑप्शंस बार पे आपको दिखाई देगा, ये क्रॉप टूल का सिंबल दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन है रेशो। रेशो का मतलब होता है कि आप चाहिए रहेगा तो यहाँ पे सेट कर सकते हो कि किस रेशो में आपको क्रॉपिंग करनी है। जैसे 2 और 1 का रेशियो यहाँ पे दिया है, मैंने पहले कॉलम में 2 रखा हुआ है, दूसरे बॉक्स में मैंने 1 रखा, पहले बॉक्स में 2 एंड दूसरे बॉक्स में 1 है। तो यहाँ पे देखिए सेट हो चुका है 2 और 1 का, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये सेट हो गया है। अगर अदरवाइज़ आपको चाहिए रहेगा, ये रेशियो आप चेंज करना चाहते हो, 1:1 का रखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ, यहाँ पे भी 1 का रखा, तो ये देखिए एक स्क्वायर के साइज़ में आ जाएगा, 1:1 का आ जाएगा। आप चाहिए रहेगा, आप खुद क्रॉप करना चाहते हैं कि आपको क्या साइज़ चाहिए रहेगा, तो आप इसे 0 कर दीजिए और इसे भी आप 0 कर दीजिए। तो आपको जो एरिया सेलेक्ट करनी रहेगी आप क्रॉप टूल से, वो एरियाज क्या कर सकते हो, आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीटेड क्रॉप पिक्सल्स। आप जैसे ही क्रॉप करोगे तो ये क्या करेगा, क्रॉप पिक्सल्स को डिलीट कर देगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्रॉप प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे आप चाहिए रहेगा तो क्रॉप पे क्लिक करते हो तो डिलीट करके एक प्रीव्यू भी आपको दे देगा कि यहाँ पे ये बैकग्राउंड है, ये क्रॉप डिलीटेड है। यहाँ पे जस्ट आपको डन करनी है तो आपका एरियाज क्या हो गया, यहाँ पे क्रॉप हो गया। अब जितने एरियाज में आप क्रॉप करना चाहते हो उतने एरियाज आप सेलेक्ट करिए। अगर आप यहाँ पे 0 रखते हैं तभी आपको सेलेक्शन का ऑप्शन मिलता है। अगर आपने नंबर्स दे दिया तो क्या होता है, जो आप नंबर्स देंगे उस नंबर के हिसाब से ये क्रॉप हो जाएगा। अगर आपको क्रॉप टूल कैंसिल करना है तो मैं स्किप बटन प्रेस करके आप कैंसिलेशन भी कर सकते हो। तो शायद आपको समझ में आया हो, जैसे मुझे इतना ही फेस ही चाहिए रहेगा तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप चाहिए रहेगा तो एंटर बटन प्रेस करिए, उतना एरिया आपका क्या होगा, क्रॉप हो जाएगा। कंट्रोल जेड करके मैं अंडू कर लेता हूँ। एंड देन दूसरा है कि अगर मैं पिक्सल सेट कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने 2 और यहाँ पे भी रखा मैंने 2 का, तो ये 2:2 का देखिए स्क्वायर में ये ऑलरेडी क्रॉप हो चुका है। तो यहाँ पे जस्ट डन करेंगे तो ये क्रॉप हो गया, 2:2 में क्रॉप हो गया। अदरवाइज हमें चाहिए रहेगा आप यहाँ पे नंबर बढ़ा सकते हो, 4 चाहिए रहेगा तो 4 रख दीजिए, यहाँ पे भी मैंने 4 रखा। देन यहाँ पे क्लियर कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शंस भी आपको दिया हुआ, जैसे रूलर है, ग्रिड लाइन में करना है आपको, डायगोनल करना है तो आपको ट्रेंगल में करना है, जैसा चाहिए रहेगा यहाँ से आप रख सकते हो, उन्हें भी यूज़ कर सकते हो, और डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो। डिलीट में क्या होगा कि यहाँ पे देखिए क्रॉप प्रीव्यूज पे है, अभी ये बैकग्राउंड आपका नहीं सेलेक्टेड है। जैसे ही आप अगर इसे निकाल देते हो क्रॉपेड या कंटेंट वेयर करना चाहते हो तो वो भी आप रख सकते हो कंटेंट वेयर पे, तो आपको जो चाहिए रहेगा एंड डन कर दीजिए। तो ये देखिए फिर ये बैकग्राउंड में कन्वर्ट हो जाएगा क्रॉप होके। जब तक आप क्रॉप पे क्लिक करते नहीं है, एंटर नहीं करते, डन नहीं करते, तो वो जस्ट आपको प्रीव्यू शो ऑन करता है। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर आपको बार बार एक ही पिक्सल एक ही सीक्वेंस में आपको क्रॉपिंग करनी है तो आप अपना क्रॉप यहाँ पे सेट कर लीजिए। न्यू पे जाइए, आपको जो नाम का बनाना है क्रॉपिंग, जैसे आपको कोई फोटोज़ क्रॉप करनी पड़ती है बार बार, या कोई इमेज फाइल, कोई लाइंस क्रॉप करनी है, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, कोई भी नाम दे दीजिए। नाम मतलब क्या होता है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको क्या क्रॉप करनी है, किस नाम पे आपने कितने की क्रॉपिंग सेट की हुई है। जैसे मैंने यहाँ पे विनीत दे दिया, एंड देन आप चाहिए रहेगा तो आगे और लिख सकते हो कि आपको 2:2 में क्रॉपिंग करनी है, उसकी पिक्सल ये 300 की रहेगी। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हो उस नाम को, एंड देन क्या करना है आपको, ओके करना है। तो देखिए विनीत 2:2 and 300, तो यहाँ पे आप चाहिए रहेगा तो 2:2 रख सकते हो, यहाँ पे 2 रख दीजिए, यहाँ पे अपना 2 रख देते हैं, एक बार सेट कर देते हैं।
तो 2H2 में आप क्या कर सकते हो, इसे सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए डिलीटेड क्रॉप है, अगर चाहिए रहेगा तो आप देखना है प्रीवियस तो देख सकते हो। एंड देन आप जैसे ही ओके करोगे तो ये डन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो चाहिए रहेगा, नेम आपको चाहिए रहेगा तो नेम आपने जो बनाया हुआ रहेगा वो है। विथ एंड हाइट के रेजोल्यूशन में आपको सेट करनी है, तो विथ कितना हो गया 2 इंच, 1 इंच। अब रेजोल्यूशन आपको कितना चाहिए, 300, 100, 150। तो जो भी रेजोल्यूशन चाहिए रहेगा वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। तो आपको रेजोल्यूशन जैसे मैंने रख दिया 70 का रेजोल्यूशन रखा और डन करता हूँ, तो क्या होता है 70 के रेजोल्यूशन में देख लीजिए पिक्चर कितना छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं कंट्रोल प्लस करके इसे जूम भी करता हूँ तो ये पिक्सलेट आ जाएगा, पूरी तरह से पिक्चर ब्लर फट जाएगा 70 के अगर रेजोल्यूशन में। मैं सेम साइज़ में दूसरी पिक्चर्स को अभी मैं इसे अंडू कर देते हैं एंड इसका जूम आउट कर देता हूँ। अभी देखिए सेम थिंग वही क्रॉप करते हैं, उसी रेशो में मैं क्रॉप करता हूँ। एंड देन अभी यहाँ पे रेजोल्यूशन को बस बढ़ा देता हूँ, 300 के रेजोल्यूशन रखता हूँ और डन करते हैं। तो देखिए 300 के रेजोल्यूशन में एटलीस्ट पिक्चर दिख रहे हैं आपको, और ये थोड़ा जूम करेंगे तो इतना नहीं फटेगा ये 300 में, तो ये पिक्चर क्या होगा, फटेगा नहीं। उसको मैं जूम कर दिया था तो अब तक क्या हुआ था, पिक्चर फट गया था। तो रेजोल्यूशन 300 रखोगे तो एटलीस्ट बेटर रेजोल्यूशन होता है। 300 आप चाहिए तो उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप रेजोल्यूशन कर रहे हो तो डिपेंड करेगा कि आपका प्रोसेसर, आपका ग्राफिक कार्ड, आपके सिस्टम का वो बेटर होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा हायर रेजोल्यूशन होगा पिक्चर उतना क्लियर रहेगी, वो फटेगी नहीं इमेज प्रिंटिंग में, वो क्लियर आएगी। अगर रेजोल्यूशन कम है तो वो फट जाएगा पिक्चर। बट ये डिपेंड करेगा कि आप पिक्चर कहाँ पे यूज़ करने वाले हो। अगर उसकी इमेज साइज बढ़ जाएगी, अगर रेजोल्यूशन हायर रखोगे तो क्या होगा, उसका इमेज का MB बढ़ते जाएगा कि वो 100 MB की हो सकती है, 200 MB, डिपेंड करेगा कितना साइज़ क्या है उसके हिसाब से। तो रेजोल्यूशन आपकी रिक्वायरमेंट की, आपकी प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट, आपको कहाँ पे वो इमेज रखनी है, तो उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट टूल देखते हैं। तो ये आपको क्रॉप टूल समझ में आ गया कि क्रॉप टूल क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है न्यू कर सकते हो, डिलीट करना है प्रेजेंट, तो जो मैंने बनाया था विनी 2x2 तो ये डिलीट कर सकते हैं जो हमने सेट किया हुआ था। तो हैंड देन मैं अभी अंडू कर लेता हूँ इसे। नेक्स्ट टूल के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट टूल क्रॉप के बाद आता है आपका प्रेस्पेक्टिव क्रॉप टूल। ये भी क्रॉप टूल ही है, बट इसमें कैसा है कि हम जब क्रॉपिंग करते हैं, जैसे इस एरियाज को मैंने फेस को सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी देखिए विथ एंड हाइट दिया हुआ, आप सेट कर सकते हो, रेजोल्यूशन दे सकते हो। अब इसे आप चाहिए मैनुअली इस तरह से मैं ड्रैग करके इसे क्या कर रहा हूँ, प्रेस्पेक्टिव में बना रहा हूँ। तो ये जैसा व्यूज़ में आ रहा है ना, आप जो भी चाहिए रहेगा इधर से ड्रैग डाउन करनी है तो इस एरियाज को खींच सकते हो। अब जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो क्या होगा, इस तरह से देखिए वो फेस क्या हो गया, प्रेस्पेक्टिव हो गया, खींच गया इमेज का, चेंज हो जाएगा उसका व्यूज़। तो इस तरह से वो क्या हो गया, प्रेस्पेक्टिव टूल। अंडू करता हूँ कंट्रोल जेड करके। नेक्स्ट टूल देखते हैं। नेक्स्ट टूल अपना है स्लाइस टूल। स्लाइस टूल क्या होता है, स्लाइस टूल में आप क्या कर सकते हो कि इमेज स्लाइस का मतलब आप समझते हो कि छोटे छोटे क्या कर सकते हैं, हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कर सकते हैं इमेज को। तो मैं लेता हूँ स्लाइस टूल। अब मुझे इसमें से सब छोटे छोटे पीसेस निकालनी है, तो मैं इस इमेज का इतना एक पार्ट ले लिया। तो यहाँ पे जैसे आप स्लाइस करोगे ना, तो यहाँ पे देखिए स्लाइस 1, स्लाइस 2, स्लाइस 3, 4, 5, इस तरह से ये एक पार्ट हो गया। अगर इसे मुझे यहाँ पे इन हैंड को भी मुझे स्लाइस करनी है तो इस तरह से मैं इसे एक पार्ट में कर सकता हूँ, तो ये इतना एक पार्ट हो जाएगा। तो आप चाहिए रहेगा इस लॉगो को आप स्लाइस करना चाहते हो तो इसका भी एक पार्ट निकाल सकते हो। तो ऐसे ही बहुत सारे पार्ट टू पार्ट इसका कर सकते हो स्लाइस। अब इसको मुझे पीसेस को सेव करना है, जब आप स्लाइस यूज़ करने के बाद स्लाइस कर लिया आपने इसे, आप सेव करना चाहते हो। यहाँ पे एक और टूल है स्लाइस सेलेक्टेड। इसमें क्या होगा, जैसे आपका कोई बॉक्स आपने बनाया, आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं, इसे एडजस्ट करना चाहते हो, देखिए इस तरह से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे इस तरह से इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। स्लाइस पे आप राइट क्लिक करोगे तो डिलीट स्लाइस का ऑप्शन आएगा, एडिट स्लाइस ऑप्शन आएगा, डिवाइड स्लाइस आएगा, सेंड टू बैकवर्ड आएगा, बैक आएगा। तो ये ऑप्शन एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। पहले अभी देखिए आपने स्लाइस कर लिया है तो इसे सेव कैसे करोगे। अगर देखिए फाइल में जाएंगे हम लोग, अगर आप CS6 यूज़ कर रहे हो, 3 यूज़ कर रहे हो, 5 यूज़ कर रहे हो, तो आपको आएगा सेव फॉर वेब का ऑप्शन दिखाई देगा फाइल में। क्या दिखाई देगा, सेव फॉर वेब। वहाँ पे क्लिक करके आपको सेव करना पड़ेगा। ये फोटोशॉप 2020 है तो यहाँ पे उस ऑप्शन को एक्सपोर्ट में डाल दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा एक्सपोर्ट और आपको यहाँ पे सेव फॉर वेब दिख रहा है। तो आपको अगर CS6 यूज़ कर रहे हो या 5 का वर्जन यूज़ कर रहे हो एडोब का एंड 3 यूज़ कर रहे हो तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे आएगा सेव फॉर वेब। तो सेम थिंग है तो आपको क्लिक करना है। बट अगर आप फोटोशॉप 2020 यूज़ कर रहे हो तो आपको जाना है एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब पे हमें क्लिक करनी है
और यहाँ पे देखिए सेव बटन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा फॉर्मेट इमेज ओनली। अगर आपको इमेज चाहिए तो हम रखते हैं इमेज ओनली, और मैं आप भी सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे एंड सेव बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो आपको जहाँ पिक्चर सेव करनी होगी वहाँ पे सेव कर लीजिए। सेव कर लिया, अभी मैं फोटोशॉप को मिनिमाइज़ करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इमेज करके एक फोल्डर बन जाएगा जहाँ पे भी आप सेव करोगे। तो इमेज करके फोल्डर को अभी ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने भी पार्ट में हमने स्लाइस किया था उसके सारे एक एक छोटे छोटे पीसेस आपको दिखाई दे रहे हैं उस इमेज के, क्रॉप किए हुए, क्रॉपिंग करके स्लाइसेस पीस उसके बन जाएंगे, आपको क्रॉप करके मिल जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, स्लाइस टूल का यूज़ करके आप इमेज का या पिक्चर्स का जो भी पार्ट होगा उसे छोटा छोटा आप करके स्लाइसिंग कर सकते हो। ये तो एक हो गया, फर्स्ट यूजेस हो गया, मैं वापस से ले लेता हूँ। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आप कोई फ़ोटो एल्बम बना रहे हो, आपको चाहिए रहेगा कि आप इसका एक वेब पेज बनाओ उसका स्लाइस का, तो वो भी ऑप्शंस आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं अभी इसे क्लोज कर देता हूँ, वापस से देखिए ओपन करता हूँ। अब मैंने इस पेज को लिया, ओपन किया, अब मुझे इस पे लिंक देना है कि जब भी मैं फेस पे यहाँ पे क्लिक करूँ। आप फ़ोटो एल्बम बनाना चाहते हैं, जैसे अगर आप फ़ोटो 1-2 हम जब भी किसी इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो उसे। जैसे मैं यहाँ से एक टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक स्लाइस कैसे यूज़ करनी है, या एग्जांपल्स के लिए जैसे यहाँ पे विनीत ऐसे यादव लिखा हुआ है तो मैं इसे एक लिंक कर देता हूँ। मैं या तो चाहिए रहेगा तो टाइप ही कर देता हूँ, एक फ़ोटो लिख देता हूँ यहाँ पे, देख लीजिए, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो भी है या पिक्चर टाइप कर देता हूँ, पिक करके पिक 1 करके टाइप कर दिया। ओके, और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कंट्रोल टी कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। ओके, एंड एंटर कर देते हैं। इमेज को थोड़ा जूम करता हूँ। अब ये इसको मुझे लिंक करना है। आप जैसे हेडिंग बनाते हो होम 1, पिक 1, पिक 2, पिक 3, इस तरह से करके आप बहुत सारे पिक्स बना सकते हो। अब इसको मुझे स्लाइस लिंक करना है, तो मैं आता हूँ स्लाइस टूल पे और इसको पिक 1 को इतने को स्लाइस करता हूँ जितना लिंक करना है, इतना सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिया रहेगा एडिट स्लाइस ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेम आएगा, तो ये जो इमेज है उसका नेम आ गया। अब पूछेगा आपको URL, आप क्या कर सकते हो, इसे लिंक कर सकते हो किसी पिक्चर्स को। तो मैं अभी इसे इस तरह से रहने देता हूँ। अब फाइल में आता हूँ, सॉरी इसे मिनिमाइज कर देते हैं। आपने कहीं पे भी आपने फ़ोटोज़ इमेजेस अगर स्टोर कर रखा है आपके कंप्यूटर्स में, वहाँ पे चलते हैं। जैसे मैंने आया होम पे और पिक्चर वाले कॉलम में आया, यहाँ पे एक पिक्चर है, इस पर राइट क्लिक करता हूँ। इस पिक्चर का मुझे URL कॉपी करना है, तो इस पर राइट क्लिक करिए, इस पिक्चर्स के ऊपर कोई भी पिक्चर रहेगा जो भी पिक्चर्स है, और उसे चूज़ करिए, ओपन विथ में जाइए। मैं चूज़ करता हूँ अदर ऐप, और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं मोर ऐप, अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर, इंटरनेट एक्सप्लोरर में इसे ओपन करिए या किसी भी एक्सप्लोरर में ओपन करिए जिससे मुझे इसका URL मिल जाएगा। तो इस इमेज का यहाँ पे देखिए URL आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, राइट क्लिक करते कॉपी करते, ये URL मैंने कॉपी कर लिया। अब आ जाते हैं हम फोटोशॉप में, फ़ोटोशॉप में URL वाला जो ये बॉक्स है इसके अंदर उसे कंट्रोल V करके पेस्ट कर देते हैं। टारगेट पूछेगा, अगर आपको इमेज को उसी पे ओपन करना है तो कुछ टारगेट मत दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अलग से विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर का ओपन हो तो यहाँ पे लिख देते हैं -blank। अगर आपको चाहिए रहेगा तो, अदरवाइज नहीं ज़रूरत है, आप सेल्फ उसी पे ओपन करना चाहते हो, उस पिक्चर पे क्लिक करूँ तो वहीं पे ओपन हो, तो मैं यहाँ पे कोई भी टारगेट नहीं देता हूँ। कोई मैसेज लिखना है तो मैं यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ हाय। आपको टैग लाइन में कुछ मैसेज लिखना है तो मैंने लिख दिया हेलो, तो आपको जो भी मैसेज देना है, एंड देन ओके कर देते, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा भी चाहिए रहेगा, अगर कोई आप देना चाहते हो, लिंक करना चाहते हो, जैसे मुझे मान लो यहाँ पे मैं क्लिक करूँ या इस पे क्लिक करूँ, दूसरा भी आप स्लाइसिंग ऑप्शन का लिंक करना चाहते हो तो वापस से आप सेलेक्ट कर सकते हो, सेम फीचर्स है। राइट क्लिक करिए,
एडिट स्लाइस ऑप्शन, जैसे मैंने URL दे दिया इस बार www.google.com, ओके या कोई भी जो भी आपको चाहिए रहेगा, मैसेज लिखना लिखिए एंड देन ओके कर देते हैं, तो इस तरह से ये लिंक हो जाएगा। अब जब भी आप लिंक कर लेंगे, पूरे इमेज को आपने बना लिया, तो आप जाइए फाइल में। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आप CS6 यूज़ कर रहे हो तो सेव फॉर वेव आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिख जाएगा, या 3 यूज़ कर रहे हो या कोई भी प्रीवियस पुराना वर्जन फोटोशॉप का यूज़ कर रहे हो तो आपको डायरेक्टली यहीं पे इधर ही आपको आएगा सेव फॉर वेव। अगर आप फोटोशॉप 2020 में वर्जन यूज़ कर रहा हूँ लेटेस्ट वर्जन, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट में हम लोग जाएंगे सेव फॉर वेव, यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्लिक करते। अब मैं इसे सेव करूंगा। जैसे जब मैं सेव करूंगा तो यहां पे देखिए आएगा फॉर्मेट, पूछेगा इमेज ओनली, तो मैं यहां पे, हमें इमेज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, HTML ओनली, या HTML एंड इमेज दोनों चाहिए तो आप दोनों का ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो मैं रखता हूं HTML, ओके। आप नाम देना चाहते हो तो इसे नाम दे सकते हैं, मान लो फोटो एल्बम बना रहे हो आप, या कुछ अनदर जो भी बना रहे हो वो नाम दे सकते हैं। तो मैंने यहां पे रख दिया, पिक करके नाम दे दिया इसे एंड सेव कर देते हैं। तो अभी मेरा सेव हो चुका है फाइल, तो मैं मिनिमाइज़ करता हूँ फोटोशॉप का, यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ इस विंडोज़ को। अब देखिए जब आपने सेव किया तो यहाँ पे देखिए पिक करके एक HTML की फाइल बनेगी, तो किसमें, ऑलरेडी वो ब्राउज़र में ही ओपन होगा, तो आपको जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो उसमें ओपन होगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस पिक जो मैंने सेव किया हुआ है, पूछ रहा है ओपेरा मेन्यू में आपको ओपन करना है या जिसमें भी ओपन करना रहेगा, गूगल क्रोम या कोई भी है, तो मैं यहाँ से देन ओके कर देता हूँ, मुझे ओपेरा में ही ओपन करना है। यहाँ से मैं इस पिक्स को ओपन करता हूँ जो हमने सेव किया, तो ओपेरा में प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो मैं दूसरा यूज़ करता हूँ ब्राउज़र एंड देन आता हूँ ओपन विथ, मैं लेता हूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर। यहाँ पे आपको आएगा ब्लॉक कंटेंट आएगा, उसे आपको अलाउ करना है, ऊपर ही आपको दिखाई देगा। यहाँ पे मैं अनेबल कर देता हूँ, इसको भी अनेबल कर देता हूँ, डन करते हैं, एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं, वापस से एंटर करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे पेजेस मेरे में ब्राउज़र में अपलोड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए हेलो जो लिखा था वो नीचे दिखाई देगा, जो लिंक हमने दिया था सब जगह नहीं दिखाई देगा, ओके। तो हमने पिक्स करके यहाँ पे जो भी लिंक रहेगा, जहाँ पे आपने लिंक दिया हुआ रहेगा वो दिखाई देगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो इमेज क्या होगा, ओपन हो जाएगा, देख लीजिए ब्राउज़र पर इमेज ओपन हो जाएगा अगर आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो। मेरे में फ्लैश नहीं है, इसके लिए प्रॉपर पिक्चर्स अपलोड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जस्ट क्लिक ऑन करोगे अब तो वो इमेज आपने जिसको लिंक दिया हुआ है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लिंक देके अलग अलग पेजेस को आप बना सकते हो, हर एक को पिक्स या जो भी लिंक करना चाहते हो उसे आप लिंक भी कर सकते हो। तो ये था स्लाइस टूल, मैंने आपको बताया, शायद आपको स्लाइस टूल समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियोस में इतने ही फ्रेंड्स, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए क्रॉप टूल्स का एंड प्रस्पेक्टिव क्रॉप टूल स्लाइस टूल का। अगर आपको वीडियोस पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।